दोस्तों, प्लाट को कैसे मापें गज से फुट में, ये सवाल किया हुआ है। पूरा वीडियो को देखिए दोस्तों, सबके लिए जरूरी रहता है, सब जानेंगे, बहुत ही इजी है। दोस्तों, एक गज बराबर आप जानते हैं सब, 3 फीट होता है एक गज। एक वर्ग गज बराबर कितना वर्ग फीट होगा, इसको देख लीजिए। 3 × 3 बराबर 9 स्क्वायर फीट होगा। एक वर्ग गज में 9 स्क्वायर फीट होगा, यानी कि एक वर्ग गज गज गुणे गज होता है, तो 3 फीट है एक गज में, तो 3 × 3 बराबर 9 स्क्वायर फीट होगा एक वर्ग गज में। अब एक प्लाट है, इस तरह का प्लाट है, ये 15 गज इसकी लंबाई है और 10 गज चौड़ाई है। 15 गज लंबाई और 10 गज चौड़ाई, तो लंबाई गुणी चौड़ाई क्षेत्रफल कर लीजिए, तो 15 × 10 बराबर 15 × 150 वर्ग गज या स्क्वायर गज, इतना स्क्वायर गज होता है। दोस्तों, इसको फुट में बदलना चाहेंगे 150 स्क्वायर गज को, तो 150 × 9 कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगा 1350 स्क्वायर फीट होता है। और ये 15 गज बराबर हो जाएगा, एक गज बराबर 3 फीट, तो 15 × 45 फीट, और ये 10 × 30 फीट हो जाएगा। अब जानेंगे कि फुट से गज, यानी कि आप फुट का क्षेत्रफल निकालेंगे, फुट में वर्ग क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 15 × 30, तो ये 1350 स्क्वायर फीट ये निकला है, पहले भी निकाले हैं। अब इसको गज में बदलने के लिए 1350 बटे 9 कर दीजिए, तो बराबर हो जाता है 150 स्क्वायर गज। ये 1350 को 9 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर गज में निकल आएगा, ये 150 स्क्वायर गज। इस तरह से दोस्तों आसानी से मापा जाता है, इजी तरीका से जान सकते हैं, ये सबके लिए जानना जरूरी रहता है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।